Subscribe to Shemaroo Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. बंजारा बंजारा हमारा आशियाना, बंजारा 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 हमारा आशियाना, बंजारा। हर कोई आया यहाँ जाना अनजाना, दोस्त बेगाना, एक से एक दीवाना, हर दिन अफसाना नया नया, एक ताना बाना नया नया, है सबका ये ठिकाना। बंजारा बंजारा हमारा आशियाना, बंजारा। हेलो, हाँ, क्विक लॉन्ड्री सर्विस। लिसन यू लॉन्ड्री वाला, एक तो तुम अपना नाम बदल लो। हाँ, वो क्विक लॉन्ड्री सर्विस की जगह लेट लॉन्ड्री सर्विस नाम कर दो। अरे कस्टमर नहीं बोल रहा हूँ, मनोहर बोल रहा हूँ। यस, बंजारा गेस्ट हाउस से 10 दिन पहले तुमको बेडशीट भिजवाई थी मैली धुलने के लिए, आज तक वो बेडशीट नहीं पहुंची है। हाँ, मैली बेडशीट दे रहा हूँ मैं कस्टमर को। डू यू अंडरस्टैंड? हमारी बंजारा गेस्ट हाउस की रेपुटेशन क्या होगा? मैं मैली बेडशीट इस्तेमाल कर सकता हूँ, मनीषा मैली बेडशीट इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अपने कस्टमर्स को मैं मैली बेडशीट नहीं दे सकता, समझे तुम? अरे यार, बिजली चली गई थी तो बिजली वालों की बेडशीट को मैली रखो, हमारी बेडशीट को क्यों नहीं धोते हो तुम? हाँ, नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। मेरे को अभी और इसी वक्त बेडशीट चाहिए। यू फूल, फोन करते हो? मैं फोन नहीं रखूंगा, जिंदगी भर तेरे फोन को एंगेज कर दूंगा। मनोहर, फोन मैंने काटा है। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? यू लॉन्ड्री वाला, हाँ, एक लॉन्ड्री वाला होके एक्टर की तरह आवाज बदल के मुझे उल्लू बनाता है। मनोहर, मैं लॉन्ड्री वाला नहीं, ये मेरी आवाज है, मेरी। मेरी? कौन मेरी? मेरी नहीं मनोहर, मनीषा। ये मनीषा की आवाज है, मनीषा तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। अरे मनीषा, हाउ आर यू मनीषा? वेरी गुड मनीषा, अच्छा हुआ तुम लॉन्ड्री वाले के यहाँ पहुंच गई। तुम जल्दी से बेडशीट धुलवा के अर्जेंटली लेके आओ, वो 4 नंबर वाला कस्टमर बड़ा पंगा कर रहा है। मनोहर, मैं लॉन्ड्री वाले के यहाँ से नहीं, मैं तुम्हारे सामने से बोल रही हूँ। हेलो, मैं यहाँ पर हूँ मनोहर। ओह हेलो, तुम यहाँ पे हो? ओह हाँ, तभी मैं सोच रहा था कि इतनी क्लियर आवाज कैसे आ रही है। मेरी आवाज की छोड़ो, तुम अपनी आवाज की सोचो। कितना चिल्ला रहे थे तुम, मालूम है? नहीं, वो तो मैं इसलिए चिल्ला रहा था कि वो लॉन्ड्री वाला मेरी बात नहीं सुनता। मनोहर, तुम इसलिए नहीं चिल्ला रहे थे, तुम्हें बीमारी है चिल्लाने की, मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हें शांति की जरूरत है। नहीं मनीषा, तुम्हारे होते हुए शांति की क्या जरूरत है? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है। मनोहर, मैं उस शांति की बात नहीं कर रही हूँ मनोहर, मैं मन की शांति की बात कर रही हूँ। मालूम है तुम्हें स्वामी मौनानंद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर काम सही ढंग से तभी हो सकता है जब इंसान के मन में शांति हो। ये स्वामी मौनानंद कौन है? स्वामी जी बहुत ग्रेट आदमी है मनोहर, मैं उनके प्रवचन घंटों सुन सकती हूँ। मालूम है तुम्हें, वो मौन के ऊपर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे बोल सकते हैं। मौन के बारे में 3-4 घंटे बोलते रहते हैं। वेरी फनी। व्हाट्स सो फनी अबाउट इट मनोहर? स्वामी मौनानंद का मजाक मत उड़ाओ। देखो, मैं स्वामी जी की किताब लेकर आई हूँ, मैं आजकल मौन के ऊपर बहुत कुछ सीख रही हूँ। मनीषा, मौन के बारे में सीखने की क्या जरूरत है? मुंह बंद रखो, हो गया मौन। अच्छा, मैं कभी किया है मौन? 1 घंटे का मौन भी कर सकते हो? ए मनीषा, डोंट चैलेंज मी। मैं 1 घंटे क्या, 1 दिन के लिए मौन रख सकता हूँ। इम्पॉसिबल। लगी शर्त? हाँ लगी। अगर तुम ये शर्त जीत गए तो मैं तुमको पपलू खेलने के लिए 500 रुपए दे दूंगी। 500? हाथ में लाओ। मैं आज से ही मौन व्रत शुरू कर देता हूँ। आज प्रैक्टिस कर लो, मौन व्रत कल कर लेना। तुम कहती हो तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, वैसे मौन व्रत की प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। देखते हैं मौन व्रत। मैं मौन व्रत रख सकता। क्या उंगली कैसे हिला रहे हो आप? अच्छा आपके पास आऊं? और पास कैसे आऊं? यहाँ टेबल है ना। कप, टेबल रख दूं, मैं जाऊं? ओके। फोन की घंटी बज रही है, फोन तो उठाओ। नहीं, अरे हाँ, अच्छा ये उठा के पीछे रख दूं ऐसे? हाँ, ये उठा के बाहर फेंक दूं? बाहर नहीं, ये उठाऊं, यहाँ लगाऊं। चंद्रमुखी जी, हेलो हेलो हेलो, चंद्रमुखी जी बात कर रही है? हाँ हाँ, नहीं वो साहब है लेकिन वो बात नहीं करेंगे। हाँ, वो बात नहीं करना चाहते आपसे। क्या कह रही हैं आप? यहाँ आना चाहती हैं आप? आना चाहती हैं? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं आने की। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साहब कह रहे हैं साहब। हाँ, क्या एसटीडी करने के लिए? क्यों, बाप का राज समझा हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साहब कह रहे हैं। अब ओहो, क्या क्या मतलब क्या है कि रोज रोज एसटीडी करने के लिए तुम आ जाती हो? क्या ये कोई पब्लिक बूथ समझ रखा है तुमने? मैं कह रहा हूँ, साहब कह रहे हैं साहब, है ना? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। ओ डांसर, फ्लॉप एक्ट्रेस, क्या समझती है अपने आप को? दफा हो जा, यहाँ आने की जरूरत, आना की कोई जरूरत नहीं है। चली जा, दूर चली जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसे पड़ोसी से ना होना अच्छा है। हाँ, अपने बाल नोच ले, उखाड़ ले, नकली वीक लगाती है तू, है हीरोइन बनती है। देखा कैसी रही? अब मैं उसको एक फोन भी नहीं करने दूंगा, है? जैसे आएगी पिछले फोन का भी हिसाब ले लूंगा उससे, है ना? चलो मत कर, तुमने मेरे मौन व्रत की ऐसी की तैसी कर दी। मैं सब ये थोड़ी कर रहा था, तुम अपनी तरफ से कुछ भी इंटरप्रेट करने लगते हो। मेरे मौन व्रत का क्या होगा? आप जो जो कह रहे थे वही तो मैं बोल रहा था। मनोहर, कितने अच्छे लग रहे हो तुम चिल्लाते हुए। क्या हुआ तुम्हारे मौन व्रत की प्रैक्टिस का? नहीं मनीषा, मैं तो बहुत सिंसियरली मौन व्रत की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखो, मौनानंद की किताब भी पढ़ रहा था, लेकिन ये मस्तान फोन पे है। चंद्रमुखी जी का फोन आ गया, वो उल्टे सीधे इशारे करने लगे। नहीं कुछ नहीं, मैं मौन व्रत पे हूँ। एक तो इतना चिल्ला रहे हो, ऊपर से मौन व्रत पे हूँ। इतना आसान नहीं है मौन व्रत रखना। अरे नहीं वो मनीषा, ये तो प्रैक्टिस सेशन था ना, तो प्रैक्टिस सेशन में तो गलती हो गई, वो भी इसकी वजह से। लेकिन हाँ यस, अब रियल सेशन शुरू हो गया। देखो अभी 6 बजे हैं, है ना? 6 बजे है ना? अभी कल 6 बजे तक मैं मौन व्रत पे रहूंगा। और मस्तान, तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अभी 6 बजे हैं, कल 6 बजे तक मैं मौन व्रत पे रहूंगा। मुझसे कुछ मत पूछना, जो कुछ कहना हो वो बोलना और चले जाना, समझे? समझ गया। हाँ, अब इस चाय का क्या करूँ? मैं पी लूं? तुम्हारा मौन व्रत शुरू हो चुका है। चाय। हाँ ठीक है। अरे मस्तान सुन, ये मनोहर काउंटर पर है क्या? हाँ है। आपसे मतलब? अरे यार तू बात का सीधी तरह जवाब दे, है कि नहीं है? आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? अरे मैं, तू बैठ बैठ बैठ, एक बात बैठ बैठ, फालतू बात नहीं करना, टाइम नहीं अपने पास। तू बैठ ना यार। चाय पिएगा? हाँ चाय, बस बस। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज मैंने अपना गोचर देखा है, बहुत अच्छा है, जीतने का प्रबल योग है। आज मैं अगर आंख बंद करके भी ताश खेलूं ना तो मैं जीत जाऊंगा। अरे आंख बंद करके खेलोगे, ताश कैसे दिखाई देगा? अरे यार तू बात को समझ ना यार, तू अरे आप उल्टी बात कर रहे हो। बात को समझ, शब्द मत पकड़ा कर, शब्द के भाव पकड़ा कर, है? भाव? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आज मेरा जीतने का बहुत अच्छा योग है। आज मेरे पास दोनों पपलू आएंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं है, मनोहर साहब ताश नहीं खेलेंगे आज। क्यों नहीं खेलेगा? क्या हो गया मनोहर? उनका मौन व्रत है। मौन व्रत है? कल प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन मेरी वजह से उनकी विकेट गिर गई। अब आप बताइए, मनोहर साहब और मौन व्रत 24 घंटे जुबान चकर चकर चलती है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक बात है, मनोहर के योग में ये मंगल बहुत प्रबल है। हाँ वो बहुत जिद्दी है, वो कर भी सकता है। ये नहीं कर सकते कोई मंगल यार, वो ठाले तो कर सकता है। अरे नहीं कर सकता। अरे मैंने गोचर देखा यार, कर सकता। अरे अच्छा, इसमें तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ। कुछ भी हारने को तैयार? बहुत अच्छे, लगता आज मेरे जीतने का वाकई प्रबल योग है। बोल कितने की लगी? आपकी हालत देखते हुए 100 रुपए से ज्यादा की नहीं। 100 रुपए की पक्की? चल पक्की, 100 रुपए रखना तैयार। चाय पी लो, कल पता नहीं पैसे बचे नहीं बचे। अच्छा में शॉपिंग। मनोहर, तुम ये पट्टी लगा के काउंटर पे क्यों खड़े हो? लोगों को कितनी गलतफहमी हो सकती है। उतारो ये पट्टी। मन में शांति रखो मनोहर, गुस्सा थूक दो। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी शॉपिंग पे जाना है। मुझे यहाँ खड़े होने का कोई शौक नहीं है। मेरी सहेली का फोन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो कहे उसे ध्यान से नोट कर ले। फोन आएगा और तुमने मुझे बताया नहीं। हेलो, अरे ये फोन तो कट हो गया है। मनोहर सुन तो लेते वो क्या कह रही थी। सुना था तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है। एटलीस्ट 500 रुपए की वजह से तुम एक दिन चुप तो रहोगे। सी यू बाय। बड़ा मजा आएगा मनोहर। अरे मनोहर वेरी गुड। मैंने सुना तुमने मौन व्रत धारण कर रखा। अरे कमाल कर दिया यार तुमने, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा, मुझे तुमसे सवाल नहीं करना चाहिए ना। आई एम सॉरी यार। लेकिन मनोहर तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ पर अगर किसी ने भी तुम्हारा मौन तोड़ने की कोशिश की ना, मैं उसकी कुंडली बिगाड़ दूंगा। मैं इंटेलिजेंट हूँ। आई एम इंटेलिजेंट। पता है मनोहर यहाँ लोग क्या सोचते हैं? यहाँ लोग सोचते हैं कि तुम मौन व्रत रख ही नहीं सकते। पागल है। yes. वो मस्तान है ना, मस्तान, उसने तो मुझसे इस बात के लिए 100 रुपए की शर्त भी लगा ली है। 500 की लगानी चाहिए थी। माय गॉड, यानी उसने तुमसे 500 रुपए की शर्त लगा ली है। दोनों को लूट रहा है। तो तुम 500 शर्त, तुमने 500 की शर्त चंद्रमुखी से लगाई है। वेरी गुड, अच्छा। क्या निकाल रहे हो? अरे वाह, मनीषा ने बहुत अच्छा कार्ड छपाया भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा, तुम्हारी बीवी मनीषा। अच्छा, मनीषा ने तुमसे शर्त लगाई 500 की। ओहो, अच्छा, यानी मनीषा ने भी तुमसे 500 रुपए की शर्त लगाई है। यस, आई एम इंटेलिजेंट। यस। 500 रुपए मनीषा से, 100 रुपए मस्तान से, 600 रुपए। मनोहर, ये 600 रुपए अपने को जीतने चाहिए। 300 तुम्हारे, 300 मेरे। मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी बोलती बंद रखना। साहब, टाइम बहुत है अपने पास। साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। ओह, आपसे तो पूछ नहीं सकते अब। हाँ ठीक है, अब जा रहे हैं। अरे साहब, बार-बार हाथ मत हिलाओ, कोई बाहर वाला देखेगा तो पागल समझेगा। मस्तान जल्दी करो ना, देरी हो रही है। मस्तान, तुम कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने। अरे तुमने मनोहर साहब से पूछा? अरे उनसे तो पूछ नहीं सकते ना, उन्होंने तो मौन व्रत रखा हुआ ना। उन्होंने कल बोल दिया था कि मुझसे कुछ पूछना मत, बस बता के चले जाना। आपने कहा था ना। देखो, हाँ कह रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। नहीं, देर लगाएं? कह रहे हैं देर लगाओ। ठीक है, अगर साहब कह रहे हैं तो बीच पर हो आएंगे। पागल हो गई है, बीच में चले जाएंगे? सारे काम का बोझ इनके ऊपर थोड़ी डालेंगे। नहीं साहब, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ, जा रहे हैं, बस जल्दी निकल रहे हैं। हाँ, टाटा कर रहे। यस, आप चिंता मत करिए, ट्रैफिक का पूरा ख्याल रखें। देख कितना ख्याल रखते। मनोहर, तुमने इस मस्तान को बहुत सर चढ़ा रखा है। मनोहर साहब, आई एम वेरी एंग्री। आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अभी सवाल मत पूछो, आज कुछ नहीं बोलेगा सर। टीपी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बीच में मत बोलिए। आई एम वेरी एंग्री सर। आपने मस्तान को पिक्चर में जाने का परमिशन कैसे दिया? बोलिए। अरे आज साहब कुछ नहीं बोलेगा। अरे कैसा नहीं बोलेगा? मैंने उनके पास छुट्टी मांगी, उन्होंने हाँ कह दिया। मेम साहब ने इनकार किया, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये मस्तान मेरी बेटी को लेके पिक्चर में कैसे गए, आप बोलिए। अरे यार, तेरे को कितनी बार बोला साहब नहीं बोलेगा। ये 600 रुपए का मामला तू समझता क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब, गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे कुछ कहा, सुनाई नहीं देता क्या? तो मुझसे बोल नहीं सकते? अच्छा, बोल भी नहीं सकते? गूंगे बह रहे हैं क्या? I'm sorry, फोन कर सकती हूँ? नहीं, चांदनी, सिर्फ एक ही फोन करना है। चांदनी, एक ही फोन करना है बाबा। रमेश डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम मिसिंग यू सो मच। क्या बताऊँ, हनीमून तो यहाँ मनाने आई हूँ लेकिन दिल तो तुम्हारे पास छोड़ के आई हूँ ना। क्या? नहीं नहीं, मेरे सड़ियल से पति देव यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो एक बोंदू सा गूंगा पहरा मैनेजर खड़ा है। हाँ बस, हाँ लगता है मेरे सड़ियों से पति देव आ रहे हैं। हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँगी, जैसे ही मौका मिलेगा फोन करूँगी ना। स्वीट आई एम मिसिंग यू सो मच। हाय डार्लिंग, सॉरी थोड़ी सी देरी हो गई। क्या हाल चाल है? बस ठीक। अच्छा अब ये बताइए प्लान क्या है? मंदिर जाना है, तुम्हारे लिए मन्नत मांगनी है ना? है, मैं तो चाहूँगा भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। चले? हाँ। चलो। ओह बेबी, एक प्रॉब्लम है, मैं अपना पर्स ऊपर भूल आया हूँ। एक्सक्यूज मी, आप किसी को भेज के मेरा पर्स मंगा दीजिए प्लीज। आप किन से कह रहे हैं, तो गूंगे बहरे हैं। ओह आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। यू सो नाइस, सीरियसली सो नाइस, शी इज वेरी नाइस एंड स्टूपिड। मैं एक फोन कर सकता हूँ? नहीं, मुझे एक ही करना है। थैंक यू सो मच। Hi sweetheart, क्या हाल चाल है? Yeah, I know you're missing me. I'm missing you so much. कहाँ यार, यहाँ पे थोड़ी हनीमून बनाने आया हूँ मैं, ऐसी बोरिंग सी वाइफ के साथ। I can't enjoy. If she is north, I'm south. वो उत्तर है तो मैं दक्षिण हूँ। और बताओ? हाँ, घर पहुँचते ही मैं पहले तुमसे मिलूँगा। That's a promise. That's a given promise. नहीं, पागल हो गई हो क्या? अगर वो मेरे बाजू में खड़ी होती तो मैं ऐसी बातें थोड़ी करता। मेरे बाजू में तो एक गूंगा सा, बहरा सा, लंबा सा, चौड़ा सा, डम सा, स्टूपिड सा मैनेजर खड़ा है। नहीं सुनाई नहीं देता। अच्छा मेरी बीवी ने बातें सुन करता। हेलो मेरी जान। थैंक यू सो मच। यहीं पे चलते। सी यू। एक्सक्यूज मी, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, आपने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, दोनों हस्बैंड के वाइफ को मिला के 8 रुपए हो गए, मुझे दीजिए। मनोहर, मनोहर भाई मुबारक हो, बस 1 घंटा रह गया है। 1 घंटे के बाद हम 600 रुपए जीत जाएंगे। 500 + 100 600। नहीं जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अरे तुम इतना उदास क्यों हो, क्या बात है? नहीं वो टीपी क्या? नहीं वो हस्बैंड वाइफ है ना, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे थे, फोन के पैसे नहीं दे रहे थे तो मैंने बोल करके उनसे पैसे मांग लिए। बोल करके मांग लिए? सत्यानाश, 600 रुपए गए, 300 इसके, 300 मेरे। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, किसी ने देखा तो नहीं था? उन्होंने देखा था। वो तो गए ना। वेरी गुड है। और तो किसी ने नहीं सुना था? उन्होंने सुना था, पर वो तो गए ना। हाँ ठीक है। फिर तो मनोहर ऐसा है कि अब तुम वापस से मौन व्रत धारण कर लो, और तो किसी ने देखा नहीं है ना। हाँ वैसे भी क्या है, शास्त्रों में लिखा है पहली भूल नहीं होती है, वो क्षमा के योग्य होती है। हाँ, इसलिए मनीषा को बता दूंगा ना कि पहली भूल नहीं होती है, वो क्षमा के योग्य होती है। मनीषा को बताओगे ना? हाँ तो ठीक है, मनीषा को बता देना, लेकिन मौन व्रत है ना मनोहर, तो इशारों में बताना है ना। मौन व्रत है। हाँ, अरे मनोहर मनोहर, अब तक तुम्हारा मौन व्रत नहीं टूटा? कह रहा है एक बार भी नहीं टूटा। क्या कह रहा है? 1 घंटे के बाद टूटेगा। हाँ, मुझे मालूम है 1 घंटे के बाद टूटेगा। पिक्चर देख के बड़ा मजा आ गया, मुझे तो पिक्चर और एक बार देखना है। अरे साहब ने तो एक ही दिन का मौन रखा है ना, अब दोबारा रखेंगे तो दोबारा फिल्म देखेंगे। आओ मस्तान आओ, 100 रुपए तैयार रखना, 1 घंटे के बाद ले लेंगे हम लोग। मतलब आपका मौन अभी तक चल रहा है? कह रहा है एक बार भी नहीं टूटा। एक बार भी नहीं टूटा। कह रहा है कि 1 घंटे के बाद टूटेगा। हाँ 1 घंटे। हाँ कह रहा है कि 100 रुपए लेकर के रहेगा। मस्तान कुछ करो वरना मेरे 500 रुपए चले जाएंगे। देखो अगर इनका मौन व्रत टूट गया तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 100 रुपए इनाम दूंगी। आप चिंता मत करो मेम साहब, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ पता है एक बार भी नहीं टूटा। मनोहर सिगरेट पियोगे? पिएगा मनोहर, सिगरेट पी लो। यस, एक सिगरेट पी लो। सारी चक्रों से कुछ नहीं होगा, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मुझे लगता है ये टीपीएस का सपोर्टर है। हाँ। हम तरकीब यहाँ नहीं, वहाँ जाके सीक्रेट में बनाते हैं। ओके चलो बेला चलो। हाँ मालूम है एक बार भी नहीं टूटा। सिगरेट पियो मनोहर। वेरी गुड। हाँ तुम एक काम करो, तुम सिगरेट पियो, बस थोड़ी सी देर है, मैं ताश लेकर के आता हूँ, फिर हम लोग पपलू खेलेंगे है ना। हाँ एक बारी खेलेंगे। वेरी गुड। मैं क्या जी बंजारा गेस्ट हाउस है ये? हाँ तुसी इत्थों दी मैनेजर हो? सोनियो मैनूं इक डबल रूम चाहिए। की मतलब? मैं कुड़ी कली तुसी ते मैं मिलके दो और बदतमीज कितों दा गुरदास। हाँ की है फिर? हाँ की कह रहे हैं मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे दिल च मेरे वास्ते प्यार है और गुरदास। की होया बल्लू क्यों रौला पा रही है? मैं टैक्सी में पैसे दे रहा सी। की होया? देख मैनेजर गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं मैनू। ओए मैनेजर तू इशारे की कर रहा? की कह रहा है? कह रही है मैं कल्ली ते ए मिलके दो। ओए तू की कह रहा है? कह रहे हैं ऐसे दिल भी जी मेरे वास्ते प्यार हैगा। ओ तेरी ये पहलवान जी क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? क्या बात हुई? क्या कौन है तू? अरे मैं इसका दोस्त हूँ टीपी। अरे क्या हुआ? क्या बताओ ना क्या हुआ? छोड़ूंगा नहीं दोस्त है तो। अरे पर किया क्या? क्या किया मनोहर? क्या किया? गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं मैनू। क्या इशारे कर रहा है? क्या किया मनोहर बताओ ना। अच्छा अरे पहलवान जी आप भी नाराज हो गए। ये कह रहा है कि इसके दिल में आपकी बीवी के आप बीच मत आइए बहन जी। ये लोग बड़े बदतमीज हैं। अरे क्यों क्या किया इन्होंने? इन्होंने मेरी बिल्लू को छेड़ा है। क्या मनोहर ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? नहीं 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 छेड़ा नहीं छेड़ा। हाँ छेड़ा है। क्या बात है? बोलो मनोहर बोलो। बोलिए ना साहब बोलिए। नहीं नहीं मनोहर मत बोलना बस 3 मिनट बाकी है। साहब आएगी साहब बोल दो। जान है तो मौन है। अबे बोल बताओ। मैंने इनको बोला आप अकेली महिला है मैं आपको डबल रूम क्यों दूं। फिर जब इन्होंने आपको बुलाया तो मैंने इनको बोला मेरे दिल में आपके लिए बुरी बात नहीं है। मौन व्रत दुनिया। बंजारा बंजारा हमारा आशियाना। बंजारा 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 हमारा आशियाना। बंजारा Thank you.